नमस्कार, जनता दरबार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। 5 दिसंबर को हुए श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के आरोपी नवीन शेखावत के मोबाइल की कॉल डिटेल से पुलिस को चौंकाने वाले खुलासे हाथ लगे हैं। जानकारी के अनुसार हत्या से पहले नवीन ने ही अपने मोबाइल से विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा से गोगा मेडी की बात करवाई थी। इस दौरान दोनों के बीच काफी बहस हो गई। आदेश के अनुसार और पूरे प्लान को अंजाम दिया गया और फिर नवीन के साथ आए शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौर ने हथियार निकालकर गोगा मेडी को गोलियों से छलनी कर दिया। गोगा मेडी का फोन पर बात करने और फिर हत्याकांड का पूरा सीन सीसीटीवी में कैद हो चुका है। पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि नवीन भी लॉरेंस और गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ था, पर नवीन की हत्या करने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। नवीन शेखावत एक प्राइवेट स्कूल के लाइसेंस के नियमितीकरण के सिलसिले में सुखदेव सिंह गोगा मेडी से मिलने पहुंचा था। इस दौरान नवीन के साथ शूटर्स रोहित और नितिन भी साथ थे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी धर्मेंद्र राठौड़ के करीबी माने जाते हैं। शूटआउट में मरने वाले नवीन सिंह शेखावत ने ही हत्या की प्लानिंग की थी और 30 नवंबर को वैशाली नगर से स्कॉर्पियो गाड़ी किराए पर ली थी। 2-3 दिनों में हत्या कर बदमाश किराए की गाड़ी से भागने की फिराक में थे, मगर एन वक्त पर 5 दिसंबर को कंपनी में वापस जाकर एक दिन के लिए गाड़ी को किराए पर लिया गया। कहा यह भी जा रहा है कि गैंगस्टर राजू ठेहट और सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या का मास्टरमाइंड बीकानेर का मोस्ट वांटेड 1,00,000 का इनामी कुख्यात वीरेंद्र चारण है। वीरेंद्र चारण रोहित गोदारा की गैंग को राजस्थान में ऑपरेट करता है और रंगदारी का काम करता है। गोगा मेडी की हत्या के पीछे की वजह भी चूरू के एक प्रॉपर्टी डीलर से 50,00,000 की वसूली का विवाद है। गोगा मेडी ने प्रॉपर्टी डीलर के सपोर्ट में आकर के लॉरेंस गैंग को पैसे देने से मना किया था, इसी कारण लॉरेंस गैंग ने गोगा मेडी का मर्डर कर दिया। ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जनता दरबार के साथ। नमस्कार।